क्रांतिवीर संगोली रायन्ना बेंगलुरु स्टेशन स्वामी विवेकानंद का स्टैचू है। क्रांतिवीर संगोली रायन्ना बेंगलुरु रेलवे स्टेशन, इन शॉर्ट KSR बेंगलुरु। ये KSR बेंगलुरु स्टेशन की मेन एंट्री है। एक पहले आपको दूसरी एंट्री दिखाई थी, वो थोड़ा सा दिन के टाइम थी। अब ये शाम के टाइम लाइट्स में मेन एंट्री। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यात्री द ट्रैवलर पर, और मैं हूं आपका अपना अविनाश त्रिपाठी। दोस्तों मैं हूं KSR बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर, और आज की हमारी यात्रा जो है वो बेंगलुरु से पुणे। जर्नी को एंजॉय करेंगे दोस्तों। उद्यान एक्सप्रेस ट्रेन है जो यहाँ बेंगलुरु से और CSMT यानी मुंबई तक जाती है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस तक, लेकिन मेरी यात्रा इसमें पुणे तक होने वाली है। लगभग 19 से 20 घंटे की यात्रा है, तो एंजॉय करेंगे दोस्तों। बने रहिए वीडियो में आखिरी तक, मिलता हूँ आपसे। दोस्तों ये है बेंगलुरु, जो KSR बेंगलुरु मेन स्टेशन है उसका प्लेटफॉर्म नंबर 1। अभी यहाँ बेंगलुरु चेन्नई सेंट्रल एक्सप्रेस खड़ी है। ये हमारी ट्रेन लगाई जा रही है दोस्तों, उद्यान एक्सप्रेस। ये KSR बेंगलुरु से और मुंबई के छत्रपति शिवाजी स्टेडियम तक चलने वाली एक डेली एक्सप्रेस ट्रेन है, और इसका उद्यान नाम इसलिए है क्योंकि बेंगलोर को सिटी ऑफ गार्डन्स जाना जाता है, तो उसी वजह से इसका नामकरण जो किया गया उद्यान एक्सप्रेस। अपनी जो यात्रा है इसमें वो यहाँ से और पुणे तक होगी। कल शाम को लगभग 4 बजे पहुँचूँगा, करीबन 19 घंटे की यात्रा के बाद। सेंट्रल रेलवे जोन की ट्रेन है ये, 1 जुलाई 1984 को शुरू हुई थी। इसमें फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, थर्ड इकोनॉमी, स्लीपर, जनरल सब हैं। अपनी जो यात्रा है वो स्लीपर क्लास में होने वाली है दोस्तों आज। अपना जो वो कोच है वो S5 है। और आज उसमें मिडिल सीट है, मिडिल बर्थ है अपनी। सिद्धेश्वर एक्सप्रेस, उद्यान एक्सप्रेस, हमारी जो है वो उद्यान एक्सप्रेस है S5। और 26 नंबर बर्थ है, मिडिल बर्थ। एंट्री कर ली है कोच में, लेते हैं बर्थ। दोस्तों मैंने अपनी बर्थ ले ली है, अपना सामान अंदर रख दिया है। इस ट्रेन के बारे में आपसे बात कर रहा था, एक्चुअली 1153 किलोमीटर की टोटल जर्नी है बेंगलुरु से और मुंबई तक की, तो ये 23 घंटे 35 मिनट में कवर करती है, लगभग 49 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड के साथ।
और अपनी जो जर्नी है वो पुणे तक की है, 962 किलोमीटर है, 19 घंटे और 20 मिनट की यात्रा है दोस्तों। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के लोगों को सर्व करती है ये ट्रेन। दोस्तों हमारी ट्रेन रवाना हो चुकी है बेंगलुरु से। See you बेंगलुरु। बेंगलुरु छावनी। तो दोस्तों इसी के साथ अब बोलता हूँ शुभ रात्रि, क्योंकि रात को अब ऐसा कोई विशेष स्टेशन है नहीं जो बड़ा हो जिसको कवर करें, तो सुबह में मिलेंगे। आप वीडियो में बने रहें। गुड नाइट एंड शुभ रात्रि। हमारी ट्रेन सरपट दौड़ रही है, लगभग राइट टाइम चल रही है, सुबह के करीबन 6 बजे हैं। दोस्तों अभी हम कर्नाटक में ही हैं, अभी हमारी ट्रेन कर्नाटक में है और लोग सोए पड़े हैं। अभी मैं उठ गया हूँ, नालवार स्टेशन है जहाँ पर हमारी ट्रेन रुकी है, ऑफिशियल स्टॉपेज है यहाँ। अभी भी हम कर्नाटक में ही हैं। इसको कहते हैं स्कैम। दूर से देख रहा था मैं, लग रहा था जैसे कोई नदी है। सोलर पैनल लगे हुए हैं।
तो हम लोग वाड़ी जंक्शन को अप्रोच कर रहे हैं और ये जो तीसरी लाइन आप देख रहे हैं ये सिकंदराबाद के लिए जाती है। वाड़ी जंक्शन है, कर्नाटक में है और वाड़ी को जाना जाता है। ACC सीमेंट्स के प्लांट्स हैं यहाँ और दो हनुमान मंदिर हैं, मशहूर है। जंक्शन स्टेशन है, 5 मिनट के लिए रुकेगी यहाँ ट्रेन। कैसे दिया कैसे दिया राम कमूरा। सोलापुर डिविजनल हेडक्वार्टर है, बड़ा स्टेशन है, लगभग 25,000 पैसेंजर्स को डेली सर्व करता है ये स्टेशन। सोलापुर महाराष्ट्र में आ गए हैं तो अब वड़ा पाव का नंबर आ गया है। बहुत खाए इडली वड़ा डोसा, अब वड़ा पाव। सोलापुर से ट्रेन रवाना, जंक्शन स्टेशन है सोलापुर। एक और लाइन यहाँ से होटगी जंक्शन गरज जंक्शन जाती है हुबली की तरफ।
डॉन रेलवे स्टेशन है। सोलापुर डिवीजन में है। डोंड में खड़ी है गाड़ी दोस्तों, 5 मिनट बिफोर टाइम पहुंचे हैं। डोंड महाराष्ट्र के पुणे जिले में ही है। ये गुड्स ट्रेन का एक मेजर स्टेशन है, जंक्शन स्टेशन है। मनमाड और बारामती के लिए लाइन निकलती है इधर से। पुणे सबर्बन रेलवे का ये एक पार्ट है, यहाँ तक आती है सबर्बन, जो पुणे सबर्बन रेलवे है। भारतीय संस्कृति ज्ञान दर्शन पुणे में ही है। ये कोई मंदिर है क्या है, यूनिवर्सिटी टाइप है। दोस्तों पहुंच गए हैं हम बेंगलुरु से पुणे। तो दोस्तों 19 घंटे की यात्रा के बाद बेंगलुरु से पहुंच गए हैं हम पुणे। तो ये यात्रा कैसी रही प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मिलेंगे अब अगले ब्लॉग में दोस्तों। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है और प्रभु आशीर्वाद।